आज हम बनाएंगे एक सुपर ड्यूपर स्नैक, वेजिटेरियन स्नैक जो बनता है बेसन और धनिया से। और धनिया, जिसे हम कोथंबीर या फिर कोथमीर भी कहते हैं, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये एक ऐसी डिश है जिसे पहले स्टीम किया जाता है और उसके बाद उसे आप शैलो फ्राई कर परोसते हैं। बाहर से बहुत क्रंची, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, और उसको मैं सर्व करूँगा हरे प्याज की चटनी के साथ। शुरू करते हैं कोथंबीर वड़ी। और इसके अंदर, जैसा कि मैंने बताया, जाता है ताज़ा धनिया। इसके अंदर हम मिलाएंगे बेसन। कमाल की बात है इस डिश की कि इसके अंदर नाम मात्र पानी जाता है, बिल्कुल ना के बराबर। स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा जीरे का पाउडर, और इसके अंदर हम डालते हैं पिसी हुई चीनी। अब चीनी ज़रा सी, ताकि एक हल्का स्वीट टिंज आए। अगर आपको चीनी नहीं पसंद, यू कैन टोटली अवॉइड इट। इसमें हम डालेंगे हींग, ये है तिल यानी कि सेसमे सीड्स, ताज़े नींबू का रस, और क्योंकि बेसन ना काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए जब बाद में से फ्राई करेंगे, चावल का आटा। अब इसे बिना पानी के हमें मिक्स करना है। आपने मिला लिया, बिल्कुल सूखा है। अब इसको हाथ से मसलना है, और जैसे जैसे हम मसलेंगे, जो धनिया का पत्ता है उसके अंदर जितना भी पानी है वो रिलीज होगा और इस पूरे ड्राई मटेरियल को एक थिक बैटर की तरह तैयार कर देगा। इसके अंदर मैं डालूंगा नाम मात्र पानी, मतलब ये देखिए, एक चम्मच, दो, तीन से चार चम्मच, और धीरे धीरे नमक जब धनिया पे अपना काम करेगा, ये खुद ब खुद एक थिक बैटर की तरह तैयार हो जाएगा। बैटर नहीं है, एक्चुअली डो की तरह, बैटर मैं गलत बोल रहा हूँ, डो की तरह आ जाएगा। देखिए मैजिक हमारा चल पड़ा है। धनिया ने पानी छोड़ दिया है और ये बिल्कुल एक डो की तरह तैयार। इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ अ डैश ऑफ ऑयल, और इसे मिक्स करके हम रख देंगे एक तरफ। देखिए धनिया की जो ये बड़ी बना रहे हैं हम, इसको हमें स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए हमें चाहिए ये ग्लास बोल या कोई भी हीट प्रूफ बोल। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे चारों तरफ हम फैला लेंगे। ऐसा इसलिए ताकि बड़ी किसी भी सूरत में इस पे चिपके ना। चलिए इसमें हम डालेंगे इसे, और यूं हमें इसे प्रेस करना है चारों तरफ कि ये तैयार। इसको स्टीम करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आपके पास घर पर स्टीमर है, उसमें आप इसे डालकर 10 मिनट के लिए स्टीम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो एक बड़े बर्तन के अंदर आप एक कटोरी या फिर रिंग रख सकते हैं, और उसके ऊपर जाएगा हमारा ये कोथंबीर वड़ी। उसके बाद गैस को फुल फ्लेम करना है और इसे हम ढक देंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है, हम बनाएंगे एक बेहद आसान लेकिन बेहद टेस्टी हरे प्याज की चटनी। हमें लेना है हरा प्याज, बारीक कटा हुआ हरा प्याज, थोड़ा सा पुदीना और मामूली सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक, काला नमक, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, चटपटा बनाना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाट मसाला, और नींबू, खूब सारे नींबू। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये गाढ़ी दही, थोड़े से आइस क्यूब्स एंड अ डैश ऑफ वाटर। तैयार। लेट्स पोर दिस आउट। हरे प्याज की चटनी तैयार। अपनी हरे प्याज की चटनी तैयार है, ये भी तैयार है। इसे रिवील करते हैं, लुक एट दैट। इसे हम रिमूव करेंगे, ये देखिए ना, इसको जब आप टच करेंगे ना, इट्स फर्म टू टच, मतलब ये सख्त है। थोड़ा सा इसके अंदर बाउंस है, मतलब प्रेस होता है, बट ओवरऑल ये सख्त है, मतलब ये पक गया। इसे देने 2 मिनट का रेस्ट, उसके बाद इसे हम डीमोल्ड करेंगे ना। पतले नाइफ के उल्टे सिरे से साइड्स को हम इस तरीके से लूजन अप करेंगे।
अब एक चॉपिंग बोर्ड को या प्लेट को इस तरीके से रखना है और इसे उल्टा देना है। ऑलरेडी निकल आया, ये लीजिए क्या बढ़िया है। अब इस ब्यूटीफुल ब्यूटी को हम काट लेंगे इक्वल साइजेस में। और ये देखिए एक नाइस डेंस कोरिएंडर और बेसन का केक। नाउ कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कोथिंबीर वड़ी एक बार आप स्टीम कर लेते हैं, आप चाहे तो एज इज खा सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका रहता है जब इसको हम फ्राई करते हैं, चाहे डीप फ्राई करिए या फिर शैलो फ्राई। अब होता क्या फ्राइंग करने से कि जो बाहर का हिस्सा है वो बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हो जाता है और अंदर क्योंकि बेसन है वो बेहद सॉफ्ट रहता है, और जब आप उसे चटनी में डिप करके खाते हैं तो मतलब आप बोलेंगे वाह क्या स्नैक है। इसे अब हम पलटेंगे। नाइस ब्यूटीफुल क्रंची। चलिए ये सेकंड बैच भी मेरा तैयार, अब इसको हमें सिर्फ प्लेट करना है, उसके बाद खाना है। करते हैं प्लेटिंग। कोथिंबीर वड़ी और हरे प्याज की चटनी डन। यम यम यम।